नमस्कार मित्रों, नमस्कुमारिकाए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारा विषय है कि कुंडली में किस ग्रह के लिए कौन सा देवता नियुक्त है और किस ग्रह के लिए किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुंडली में कोई ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहा है, किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपके जीवन में परेशानियां हैं कि हटने का नाम नहीं ले रही, और ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि कोई तो ऐसा ग्रह हो जो जिसकी उपासना करने से हमारे जीवन की समस्याएं दूर हों। तो कुछ लोग ग्रहों की उपासना करने में कुछ हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं कि हम सीधे भगवान की उपासना क्यों ना करें, ग्रह की उपासना क्यों करें। तो वैसा भी बन सकता, क्योंकि ग्रह ही भिन्न भिन्न मनुष्यों को अपने फल देने के लिए भिन्न भिन्न रूप में ही जो है ईश्वर के ही अंश हैं। तो ईश्वर की उपासना करने से भी, भगवान की उपासना करने से, देवी देवताओं की उपासना करने से भी ग्रहों के प्रभाव में शुभता लाई जा सकती है और ग्रहों का प्रभाव ठीक किया जा सकता है। तो आज हम वही इसी विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थानों पर है, सूर्य की महादशा अंतरदशा में आपको कष्ट हो रहा है, सूर्य अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के लिए तो सूर्य नारायण की उपासना करें तो वही बेहतर है, क्योंकि सूर्य आदिदेव हैं। आदिदेवम नमस्कृत्यम प्रसीदम भास्करम। तो कहने का अर्थ यह है कि आप सूर्य उपासना करें तो वही आपके लिए बेहतर है। सूर्य को जल देना इत्यादि कार्य से सूर्य शुभ परिणाम देने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सूर्य उपासना नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान शिव की उपासना कीजिए, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्वीय ग्रह हैं और इनके देवता रुद्र हैं। तो आप भगवान शिव की अगर उपासना करते हैं, शिव का नित्य अर्चन करते हैं, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, सूर्य से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। हम देखते हैं महाभारत में युधिष्ठिर की कुंडली में सूर्य तुला राशि के थे, और उन्हें जब जीवन में कठिनाई आई तो उन्होंने सूर्य उपासना की, और सूर्य उपासना का यह फल हुआ कि वनवास काल में उन्हें अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। तो जो व्यक्ति सूर्य उपासना करता है वह धन वैभव ऐश्वर्य सबसे संपन्न हो जाता है। यूँ तो सारे ग्रह ही सूर्य के कारण विद्यमान है, सूर्य उन सबको नियंत्रित कर रहे हैं, उन सबको चला रहे हैं, इसलिए वह आदिदेव हैं। तो अगर आपकी कुंडली में, फिर हम दूसरे ग्रह की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक दृष्टांत और मैं आपको देना चाहूँगा कि रावण और राम, भगवान श्री राम के युद्ध के समय में, जब भगवान राम की कुंडली में भी सूर्य उच्च के अवश्य थे, लेकिन भगवान सूर्य कुछ कमज़ोर हुआ, उनके मन पे यह आया कि मैं रावण को किस प्रकार से हरा पाऊँगा। जो वाल्मीकि रामायण में है, रावणम चाग्रतो दष्टा युद्धायः समुपस्थितम्। भगवान रावण को आगे देखकर उनके हाथ से धनुष छूटा जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में अगस्त ऋषि ने उन्हें आदित्य हृदय स्रोत की दीक्षा दी थी और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने के लिए कहा था। तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना भगवान राम के जीवन में भी सकारात्मक परिणाम लेकर आई है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है, चंद्रमा के कारण कष्ट हो रहा है, आपकी माता को कष्ट हो रहा है, आपके पास धन संपत्ति वैभव इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आप धन को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में माता का सुख नहीं है, तो आप किस देवी देवता की उपासना करें। चंद्रमा की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह देवी पार्वती हैं, आप देवी पार्वती की उपासना कीजिए और भगवान शंकर की उपासना भी कीजिए साथ साथ, लेकिन मुख्य रूप से देवी पार्वती की उपासना करने से चंद्रमा का अत्यंत शुभ परिणाम मिल सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत हो सकता है, आप मन पर विजय पा सकते हैं।
जब क्योंकि मन परेशान होता है तो कहा है कि देवी उपासना से ही आप सही परिणाम पा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि जब राजा सुरत और समाधि नाम के वैश्य जब परेशान हुए तो मेधा ऋषि देवी दुर्गा का जो चरित्र है वो उसे सुनाते हैं और उन्हें देवी दुर्गा की उपासना करने के लिए कहते हैं, और उसका परिणाम मिलता है कि मन जिस चीज़ से उनका परेशान था वो मन उनका ठीक होता है, उन्हें उनके अभीष्ट की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद आपकी कुंडली में अगर बुध खराब है, बुध अशुभ परिणाम दे रहा है, बुध अशुभ स्थानों पर है, बुध की महादशा अंतरदशा में आपको नुकसान हो रहा है, तो बुध के अधिष्ठाता जो देवता हैं वह नारायण श्री हरि विष्णु हैं। भगवान नारायण की उपासना करने से आपका बुध मजबूत होगा। आज देश में जितनी भागवत कथाएं होती हैं हमारे देश में उतनी कोई और कथा नहीं होती, भागवत कथा का इतना प्रचलन है। नारायण की उपासना, बुध जिस व्यक्ति का स्ट्रांग होगा वही व्यक्ति भागवत कथा कर सकता है, क्योंकि बुध का कारकत्व वाणी और तर्क शक्ति पर है। बिना तर्क शक्ति और बिना वाणी के प्रभाव के आप कोई कथा में कहने में सक्षम नहीं हो सकते। अगर आप नारायण की उपासना करेंगे, नारायण की उपासना करने के लिए आपको क्या करना है, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ करेंगे, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं उनका आप पाठ करिए, आपका बुध मजबूत हो जाएगा। आप श्रीहरि की तुलसी दल से उपासना कीजिए, तुलसी से सहस्त्रार्चन कर लीजिए, शालिग्राम का पूजन कर लीजिए, और अगर आप सब कुछ करने में भी असमर्थ हो रहे हैं तो एक वर्ष तक आप सिर्फ नारायण का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक कुछ ना कीजिए, सिर्फ प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। ऐसा शास्त्रों में है कि जो मनुष्य एक वर्ष तक सिर्फ नारायण का प्रसाद ग्रहण कर ले तो वह 7 जन्म का भी दरिद्री हो तो वह धनवान और श्रीवान हो जाता है। नारायण की उपासना का वह फल है। फिर इसके बाद आपकी कुंडली में अगर मंगल अशुभ परिणाम दे रहे हैं, आप मांगलिक हैं, आप मंगल दोष से पीड़ित हैं, आपके जीवन में भूमि भवन संपत्ति का सुख नहीं है, भूमि भवन की प्राप्ति नहीं हो रही, आप प्लॉट नहीं ले पा रहे हैं, किन्ने लिए मकान नहीं ले पा रहे हैं, आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, आपको भूमि भवन का सुख नहीं मिल रहा है और आपके विवाह इत्यादि में बाधाएं आ रही हैं, तो आप भगवान मंगल आपकी कुंडली में अशुभ हैं, और इसके लिए आप भगवान कार्तिकेय की उपासना कीजिए। भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति हैं, जिस प्रकार मंगल ग्रहों के सेनापति हैं उसी प्रकार भगवान स्कंद भगवान कार्तिकेय जो हैं वह देवताओं के सेनापति हैं। आप कार्तिकेय की उपासना करें तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका मंगल शुभ होते चले जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना करने से भी मंगल शुभ होता है, लेकिन जो हमें यत्र तत्र देखने में आता है, जो ज़्यादा हमने सकारात्मक परिणाम देखा है, अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर खराब है आप भैरव उपासना करके देखिए। भैरव को सिंदूर का चोला चढ़ाइए और लाल पुष्पों से भैरव की उपासना कीजिए। भैरव बहुत क्रूर देवता नहीं है, भैरव बहुत ही कृपा करें, वह शिव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, देवी के भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। अगर आप शिव उपासक हैं और देवी उपासक हैं तो आपको भैरव से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप भैरव उपासना करिए, आपके मंगल शुभ हो जाएंगे। फिर आपकी कुंडली में अगर गुरु बृहस्पति देव अशुभ हैं, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, आप बार बार किसी विद्या पर अध्ययन कर रहे हैं और आपको उस विद्या अध्ययन करने पर भी वह विद्या याद नहीं हो रही, वह विद्या सिद्ध नहीं हो रही है, आप कि पढ़ाई लिखाई इत्यादि में बाधाएं आ रही हैं, आपके व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, आपके ज्ञान का क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा है, तो आपकी कुंडली में गुरु अशुभ। और ऐसी स्थिति में बृहस्पति को शुभ करने के लिए, गुरु को शुभ करने के लिए गुरु की ही उपासना है। आप अपने गुरुदेव का पूजन कीजिए, प्रतिदिन गुरु के पादुकाओं का पूजन कीजिए। गुरु को भगवान से समकक्ष मानकर आप उपासना अगर करिएगा, गुरु की सेवा करिएगा, अगर संभव हो सके आपके गुरु अगर पास में हैं तो आप
कम से कम प्रयास कीजिए कि हफ्ते में, अगर बहुत पास में है तो भाई हफ्ते में एक बार प्रयास करें, और थोड़ा दूर हैं तो महीने में एक बार प्रयास करें, और थोड़ा दूर हैं 6 माह में 3 माह में, इस प्रकार से प्रयास करिए और गुरुदेव के दर्शन करिए, गुरुदेव की उपासना कीजिए, घर से भी गुरुदेव की उपासना कीजिए। अगर आप गुरुदेव का भली प्रकार पूजन करते हैं, गुरुदेव का कहना मानते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में गुरु शुभ हो जाने वाले हैं और आपकी कुंडली में गुरु निश्चय ही शुभ परिणाम देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एकादशी इत्यादि का व्रत रखने से, केले के वृक्ष की पूजा करने से, यानी कि भगवान नारायण की पूजा करने से भी गुरु शुभ परिणाम देने वाले हो जाते हैं। फिर इसके बाद भी हम बात करें कि गुरु में एक चीज़ और भी कहेंगे हम कि गुरु अगर आपकी कुंडली में अशुभ है तो साधु संन्यासियों की कुछ अगर सेवा करेंगे तो गुरु आपकी कुंडली में शुभ परिणाम देंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र के विषय में। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में है, शुक्र अशुभ परिणाम दे रहा है, शुक्र कुंडली में नीच के हो गए हैं, किसी अशुभ स्थान पर हैं, अशुभ प्रभावों में हैं और शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, आपके जीवन में विलासिता भोग आप भोग नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी है, आपको वाहन का सुख नहीं मिल पा रहा है, आपके पास धन संपत्ति नहीं अर्जित हो पा रही है, और धन संपत्ति है तो आप उसको भोग नहीं कर पा रहे, तो आपकी कुंडली में शुक्र खराब है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है और शुक्र अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो शुक्र के लिए आप देवी लक्ष्मी की उपासना करिए। अब आप कहेंगे कि देवी लक्ष्मी की उपासना कैसे करें, तो देवी लक्ष्मी की उपासना कहने का अर्थ यह है कि आप श्री विद्या की उपासना कीजिए, श्री यंत्र का अर्चन कीजिए, श्री यंत्र की पूजा कीजिए, और किसी योग्य गुरु से श्री विद्या के विषय में थोड़ा सा सीखिए कि श्री विद्या की उपासना किस प्रकार से की जाती है। अगर आप श्री विद्या की उपासना करेंगे, माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करेंगे, ललिता सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शुक्र शुभ हो जाने वाले हैं, शुक्र आपको शुभ परिणाम देने वाले होंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ, शनि की साढ़े साथी चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, कुंडली में शनि की महादशा अंतरदशा इत्यादि चल रही हो, शनि परेशान कर रहे हो आपको किसी प्रकार से, आपको बार बार व्यापार में हानि हो रही हो, एक्सीडेंट रोग इत्यादि हो रहे हों, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, कोर्ट कचहरी के मैटर बन रहे हों, तो आपकी कुंडली में शनि अशुभ है और शनि आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो शनि को शुभ करने के लिए इसके अधिष्ठायक देवता यम है। अब आप कहेंगे कि भाई यम की उपासना कैसे करेंगे, तो यम के लिए, यम उपासना करने के लिए आप यम देवता की उपासना कीजिए। यमुना नदी में भी आप स्नान करेंगे क्योंकि यम और यमुना भाई बहन है। यमुना जी की उपासना आप करेंगे तो आपके यम की उपासना हो जाएगी और आपको शनि देव का जो अशुभ परिणाम है वह मिलना बंद हो जाएगा। और यम की उपासना के लिए एक चीज़ और भी कहूँगा मैं आपसे कि उनका जो स्वरूप है वो भैरव स्वरूप है, आप भैरव की उपासना कीजिए। भैरव की उपासना करने से आप काल भैरव की उपासना कीजिए, बटुक भैरव की उपासना करिए, किसी भी प्रकार से आप भैरव उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव दूर होना चालू हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु परेशान कर रहे हैं, राहु की महादशा अंतरदशा काल सर्प इत्यादि के दोष हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आदिशेष यानी कि शेषनांग या सर्प पूजा करने से आपको शुभ परिणाम मिलेगा। अब आप सर्प पूजा किस प्रकार करेंगे, पंचमी तिथि निर्धारित की गई है शेष के लिए, वराह पुराण में स्पष्ट आया है कि जो मनुष्य पंचमी तिथि को सर्पों का पूजन करता है, शेषनांग का पूजन करता है, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में राहु का जो अशुभ प्रभाव है वह दूर होगा, कुंडली में राहु शुभ परिणाम देने वाले होंगे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं केतु। केतु के देवता तो ब्रह्म है, लेकिन केतु का मूल जो स्थान है और मूल देवता अगर कहें तो ध्वज में इनका वास होता है, धर्म ध्वज है। तो अगर आप भगवान नंदीकेश्वर की उपासना करते हैं, शिव जी के समक्ष जो नंदी विराजमान होते हैं, अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो आपकी कुंडली में केतु शुभ हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म जो है वह धर्मध्वज के तले ही होता है, और धर्मध्वजा किसे कही गई है, धर्मध्वजा वह ध्वजा जिसमें वृषभ का चिन्ह हो,
बैल के चिन्ह से धर्म ध्वजा सुशोभित होती है। आप अगर ध्वज पूजन करते हैं, किसी मंदिर में आप ध्वज दान करते हैं और ध्वजा लगाते हैं और उसका पूजन करते हैं, किसी भी मंदिर की ध्वज देखकर आप उसको प्रणाम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी केतु शुभ हो जाने वाली है। इस प्रकार से मैंने आपको नवग्रहों से संबंधित देवी देवताओं के विषय में बताया है। और वैसे भी ऐसा कहा गया है कुंडली में कि अगर कुंडली में नवम और पंचम स्थान पर जो राशि हो, जो ग्रह हों, वहाँ के स्वामी हों, तो उन ग्रहों से संबंधित देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए ताकि वह शुभ परिणाम दें। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।